कभी कभी व्लॉगिंग करते हुए क्या होता है कि आप बहुत कुछ बोल जाते हो, फिर आप देखते हो कि आपने कैमरा में जो प्ले का बटन है वो ऑन ही नहीं किया है, मतलब रिकॉर्डिंग वाला ऑन ही नहीं किया है। आप ऐसे ही कैमरा चल रहा है, ऐसे ही बोली जा रहे हो, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत बार। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक अभी एंड किया है, दूसरा अभी शुरू कर दे रही हूँ। और कुर्सी पर बैठ गई, अब ठंड लगी है। हाय, आज बड़ी ठंड है ना, बैठ जाओ आप। मम्मी सब लोग आपको नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते बोलना भी आंटी को। नमस्ते जी। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं धर्मशाला में आपके? मजे आ रहे हैं धर्मशाला में? मजे। आजकल आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं भाई आप मम्मी को व्लॉग में क्यों नहीं लेते, तो मैं खुद ही नहीं बनाती, मैं खुद ही वीडियो नहीं बनाती, इसलिए मम्मी को भी नहीं ले पाती, भी मम्मी अपने काम में लगे रहते हैं। ये बात है। बाल धोए ना? वीरवार है आज, कल धोऊंगी। कल की नहीं मिली अपॉइंटमेंट? परसों की मिली। कल जाना? परसों। यार बताओ जाना। चाचू ने दी। अच्छा। मम्मा वैसे मैं बस आइडिया मेरा था। मुझे बड़ा था, कल दे दो। और चलो जाए वो तो कोई बात नहीं, आप आइडिया तो मेरा था। हाँ, बीमार मत होना बस, ठीक है? इतना खतरनाक है ना ये बंदा, खा लो, गिराना मत, ठीक? बैठ के खा लो आराम से। ये लोग बना रहे हैं मिल्क शेक। हमारे घर पे सब लोग इतने फूडी है ना, इतने फूडी है, ये मैं बता नहीं सकती। खाना जो है टेस्टी ही बनना चाहिए, अगर टेस्टी नहीं बनता है तो फिर सब ऐसे मुँह चिड़ा चिड़ा के खाते हैं। कई बार हो जाता है ना कि खाना अच्छा भी नहीं बनता, कई बार टेस्टी नहीं बनता है, बट बहुत ज़्यादा फूडी है। मतलब ये ना जो मेरी दादी सास थी ना, जो यहाँ पे अम्मा आए थे, मतलब वो खुद इतने फूडी हैं, तो सोचो आगे बच्चे कितने फूडी होंगे। मेरे जो ससुर जी है वो बहुत बड़े फूडी हैं, मतलब उनको खाना अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें दो पर अच्छी बननी चाहिए। तो आगे वैसे ये भी है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा शायद, तनु बना रहा है मिल्क शेक। तो ये स्पेशल बंदा आइसक्रीम लेने के लिए चौको बार पता नहीं क्या क्या लेके आया है, तो ये बना रहा है। जब बनेगा तो तब देखेंगे, बट खाने के इतने ज़्यादा शौकीन है सब लोग। ये देखो जी, मेरा मिल्क शेक बन के आ गया है, और ये है तनु की क्रिएटिविटी। भाई साहब जी उठो, 8 बज गए, 7:58। झूठ क्यों बोल रहे तू? नहीं सच में 7:58। 2 मिनट बचे नहीं 8 बजने के लिए? हाँ तो 2 ही मिनट बचे है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप सुबह सुबह? क्या क्या 8 बज गए हैं? तो 2 मिनट को भी काउंट करते हो आप? और नहीं तो क्या, एवरी सेकंड काउंट्स। चलो उठ, ज्यादा नहीं बोलो। नहीं तो भाई साहब जी, मला ली के आलू बना ली, बना ली के आलू। उठो जल्दी जाओ नहाने, फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो। मेरे नहीं ना। क्यों? मेरी छुट्टी नहीं आज। कैसी छुट्टी, कौन सी छुट्टी, कब की छुट्टी? आज मेरी छुट्टी ली है तो मैं नहीं आऊंगा। चल बकवास नहीं करो, उठो। मैंने हर एक काम से छुट्टी ली है, हर एक त्याग, हर एक काम को त्याग देता हूं मैं छुट्टी वाले। उठ जाओ, देखते रहते हो तुम्हें। 8:05 हो गए और आई एम ऑल सेट टू गो, और आप अभी तक प्रभु नहाए भी नहीं है, मम्मी ने चाय भी पी ली। तुमको चाय देने के बाद, मुझे दूध देने के बाद मम्मी ने अपनी चाय भी पी ली। देखो दो तरह के आदमी तो दुनिया में जो होते हैं, एक जो मजा लेते हैं, और एक जो जीवन व्यतीत करते हैं। दूध पी लो ना, रस खा लेते हो, क्या होगा ना, रस खा लेते हो एक दो, है ना?
मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। डॉक्टर तो मैं भी नहीं हाँ। तो मेरे तो कहते ऐदा जी सलाह तुम डॉक्टर ना लिया करो ना, असी कि डॉक्टर लगे पे हैं, ये लागल है, असी सुझदे हैं डॉक्टर वर्गे, पर असी है नहीं डॉक्टर। वरना मैं सोच रही थी यदि अगर तुम हर किस बात पे आर्गुमेंट कर सकते हो, मैं क्या पता डॉक्टर वाली सलाह भी दे ही दूँ। ₹8:05 हो गए। वैसे हम लोगों ने 8:30 निकलना था, बट मुझे लगता नहीं है इनके हाल देख के कि हम लोग 8:30 निकल पाएंगे। और दूध मेरा आ गया है तो मैं दूध पीऊंगी, दूध का गिलास। और बेड के साथ ही ना मेरे रस का पैकेट, बिस्किट, ये सब कुछ पड़े रहते, क्योंकि मुझे रात में भी भूख लगती है। खैर मैं रात में खाना खा लेती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा खाना उसी हिसाब से बना के रखते हैं कि मैंने रात में खाना है, तो ये बात है। दो चार दिन की बात है, फिर रह लेगा। अदू करता है ऐसे जैसे उसको थोड़ी बहुत ठंड लगी होती है ना, फिर मेरे को दिखाने के लिए ऐसे, मम्मा बहुत ठंड लगी है, जिर 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 जिर। देखो मेरे दांत भी कटकटा रहे हैं ना, जिर जिर जिर। ओह 9:15 हो गए, 8:30 का सोच के हम निकल रहे, 9:15 हो गए, अब निकल रहे हैं हम लोग। तो तुम्हारी वैसे लेट होते हैं, मेरी वैसे कभी लेट नहीं होती, ठीक है? अच्छा आज तो तुम ऐसा भी नहीं बोल सकते। काहे बे? मैं कितनी जल्दी हो गई थी, 8:00 तो मैं नहा के आ गई थी। अच्छा, और मैंने सॉरी 8:00 नहीं, 7:58 7:00 में जब मैंने आपको उठाया था तब तो आप सो गए थे। सोई नहीं थी यार, ऐसी लेट थी, उसी टाइम मेरी आंख लगने लगी थी, फिर अलार्म बज गया। हाय रे ठंड, अंदर नहीं लगता ठंड का पता, बाहर निकलो तो ठंड है भाई, टू मच ठंड। चलो जय माता दी। अभी मैं बिग बाज़ार के बाहर बैठी हूँ, नीरज का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। मतलब मैं भी अंदर ही थी, बट वो बिलिंग कराने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में गए हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर से मैंने कहा कि मैं तब तक बाहर चली जाती हूँ। हॉस्पिटल से फ्री हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है, बस अब वो आएंगे तो निकलेंगे। आज हम थोड़ी सी शॉपिंग करके जाएंगे, देखते हैं कब तक निकल पाते हैं। बिग बाज़ार आए थे सोच के कि सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, बट यहाँ पे मिला नहीं है। मैं यहाँ मेन रोड पे बैठी हुई हूँ, पता नहीं आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, क्योंकि मास्क में वैसे ही आवाज़ कम ही आती है ना। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना है ब्लॉग, बट जितना भी है उतने में मैनेज कर लो आप, है ना। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो पीछे ये हिमालयन भोजनालय दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा फेवरेट है। यहाँ के परांठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे परांठे बनाता है, बट आज मैं नहीं खा पाई क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब डॉक्टर थोड़ी लेट पहुँचे थे तो इसलिए मैं नहीं खा पाई। बट अभी लंच करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर कुछ नहीं खाया है और मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन होती जा रही है। मैं खाना खाऊंगी और टाइम जो है 1:00 बज गया है, तो बस
आएंगे वो तो लंच करेंगे और फिर थोड़ा आगे जाएंगे, सब्जियां वगैरह और थोड़ी बहुत ले लेंगे और जो भी सामान लेना होगा वो ले लेंगे।